हेलो व्यूअर्स, मध्य प्रदेश राज्य योजना के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी दो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना और खरमोड़ सोन चिड़िया पुरस्कार योजना। तो चलिए पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना की। इसके परिचय को देखेंगे। इस योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एवं कृषि आधारित मजदूरी करने वाले पंजीकृत मजदूरों को आर्थिक मदद देना है। इस योजना को राज्य के सामाजिक न्याय और निःशक्त कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। चलिए अब इसके लाभ पर नजर डालते हैं। तो इस योजना के तहत प्रसूति सहायता हेतु पंजीकृत मजदूर की पत्नी अथवा पंजीकृत महिला मजदूर को 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि दी जाती है। साथ ही प्रसूति व्यय के लिए अतिरिक्त 1000 रुपए नकद राशि भी दी जाती है। बात करें इसकी पात्रता की, तो ऐसे कृषि मजदूर जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से कृषि भूमि न हो, आवेदक संबंधित ग्राम पंचायत में विगत 5 वर्ष से निवासी हो और आवेदक की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच हो, इसके पात्र होंगे। चलिए बात करते हैं दूसरी योजना, खरमोड़ सोन चिड़िया पुरस्कार योजना की। इसके परिचय पर नजर डालेंगे। इस योजना का मकसद खरमोड़ सोन चिड़िया को संरक्षण देना है। इस योजना को वन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। गौरतलब है कि केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने इसको संकटापन घोषित किया है। इसके लाभ के तहत खरमोड़ सोन चिड़िया संरक्षण हेतु 5000 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।